हरियाणा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा युवाओं को बरगलाने और बेवकूफ बनाने का नया शगुफा खेल रही है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में आखिरी बार साल 2012 में कांग्रेस सरकार ने 12,731 JBT अध्यापकों को पक्की नौकरी लगाई थी। 12 साल से यानी 2012 से 2024 तक भाजपा सरकार ने एक भी JBT अध्यापक को क्यों नहीं लगाया। भाजपा सरकार ने प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए HTET एग्जाम करवाया। 7,50,000 युवाओं ने 1,000 जमा करवा कर ये एग्जाम दिया था ताकि वो JBT टीचर की नौकरी ले सकें। 7,50,000 बच्चों ने भाजपा सरकार ने 75 करोड़ रुपए वसूल लिए, पर 12 साल से एक JBT टीचर क्यों नहीं लगाया गया। बच्चों से वसूले गए 75 करोड़ किसकी जेब में गए। 5 सितंबर 2019 को किराना देवी केस में भाजपा सरकार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने JBT अध्यापकों की भर्ती ना करने के लिए फटकार लगाई और 25,000 जुर्माना भी लगाया। भाजपा सरकार ने हाई कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा कि सरकार 9,670 JBT टीचर जल्द ही लगाएगी। 2019 से 2024 तक तो JBT टीचर की वैकेंसी बढ़ाकर 11,000 से 12,000 से भी अधिक हो गई होगी। फिर 12,000 से अधिक JBT टीचर के पद खाली क्यों हैं? इतनी वैकेंसी होने के बाद भी दिहाड़ी पर कौशल निगम के माध्यम से केवल 2,800 JBT टीचर ही क्यों लगाए जा रहे हैं? नमस्कार साथियों, एक बार फिर हरियाणा की भाजपा सरकार दिहाड़ी पर अध्यापक लगाकर JBT अध्यापकों को, जिन्होंने BEd और DEd पास किया है, उन्हें गुमराह करने का एक नया षड्यंत्र कर रही है। हरियाणा कौशल निगम से अब 2,800 JBT अध्यापकों की दिहाड़ी पर नियुक्ति होगी। क्या होगा उन बच्चों की जिंदगी का और क्या होगा उन बच्चों को जिनको वो पढ़ाएंगे, सवाल सीधा है। इसके 4 या 5 महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसका जवाब भाजपा की सरकार नहीं देगी, पर सवाल पूछना जरूरी है क्योंकि इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करना जरूरी है। नंबर 1, आखिरी बार हरियाणा में JBT अध्यापकों की नियुक्ति हुई थी साल 2012 में कांग्रेस सरकार में। हमने 12,731 JBT अध्यापक लगाए। 2012 के बाद 2024 आ गया, जब चुनाव में 2 महीने बचे हैं, तो 12 साल बाद अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिहाड़ी पर कौशल विकास निगम के माध्यम से 2,800 अध्यापक लगा रही है। ऐसा क्यों? क्या इसका जवाब वो देंगे? दूसरी बात, 7,50,000 BEd और DEd के बच्चों से PRT का HTET एग्जाम लिया। हम 400 रुपया फीस लेते थे, पर HTET की फीस ली 1,000 रुपया, यानी 7,50,000 बच्चों से इन्होंने HTET एग्जाम के माध्यम से प्राइमरी टीचर के लिए 75 करोड़ इकट्ठा किया। पर दशक बीत गया, आज तक भी एक भी टीचर की, परमानेंट JBT टीचर की नियुक्ति क्यों नहीं हुई? 12 साल से JBT टीचर क्यों नहीं लगाए गए? उन 75 करोड़ रुपयों का जो बच्चों ने दिए वो कहां गए? क्या इसका कोई जवाब BJP के पास है? तीसरा पहलू, 5 सितंबर 2019 को किराना देवी के केस में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भाजपा सरकार को फटकार लगाई कि JBT टीचर क्यों नहीं लगा रहे। 25,000 रुपया जुर्माना भी लगाया। तो भाजपा सरकार ने शपथ पत्र दिया और कहा कि वो बहुत जल्द 9,670 JBT टीचर लगाएंगे, पर 2019 से 2024 आ गया, अब तो इन खाली पदों की JBT की संख्या भी 11,000 से अधिक हो गई। तो 12 साल से और 2019 से 2024 6 साल के बीच में एक भी JBT टीचर क्यों नहीं लगाया? क्या इसका कोई जवाब BJP के पास है? चौथा पहलू, 2021 के विधानसभा सत्र में खट्टर साहब ने बाकायदा विधानसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि अब हम JBT टीचर लगाएंगे ही नहीं क्योंकि BEd और DEd की जरूरत ही नहीं। उसके बाद 7 नवंबर 2022 को, ये तारीख याद रखिए,
भाजपा सरकार ने हरियाणा की नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE को लिखकर कहा कि उन्होंने हरियाणा में BEd और DEd दोनों खत्म कर दिए हैं। अब सवाल यह है कि एक तरफ तो विधानसभा के पटल पर उस समय के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर ने कहा BEd DEd खत्म, JBT टीचर की जरूरत नहीं। 7 नवंबर 2022 को आपने NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को कहा JBT टीचर की जरूरत नहीं। तो अब क्या बच्चों का बेवकूफ बनाने के लिए 2800 JBT टीचर की पोस्ट कौशल विकास निगम के माध्यम से निकाली है? क्या इसका कोई जवाब मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार देगी? क्या सच है और क्या झूठ है? और आखिरी बात, JBT जब हरियाणा कौशल निगम से निकालेंगे तो 100-100 किलोमीटर से ज्यादा दूर नौकरियां लगेंगी, टाइम पर सैलरी नहीं मिलेगी, एक साल के बाद फिर नौकरी ढूंढनी है, तो बच्चों का बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? इसलिए केवल के 60 दिन बाद चुनाव है तो बेवकूफ बनाकर वोट बटोरो और उसके बाद नौकरियां खत्म कर दो। एक तरफ बोलते हैं JBT की जरूरत नहीं, BEd DEd की जरूरत नहीं, दूसरी तरफ आप 2800 पद निकालते हैं वो भी 12 साल के बाद जब कुल पद 11,000 से अधिक खाली हैं। क्या श्रीमान नायब सैनी इन बातों का जवाब देंगे? क्या BJP की सरकार इन बातों का जवाब देगी? JBT बच्चों का, BEd और DEd पास बच्चों का आप बेवकूफ बनाने का षड्यंत्र क्यों कर रहे हैं? और दिहाड़ी के अध्यापक किस प्रकार से अपनी जिंदगी जी पाएंगे और कैसे बच्चों को बढ़ा पाएंगे? इन सब बातों का जवाब हरियाणा की BJP सरकार को देना होगा। जय हिंद, धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।